हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ओओपी कंसेप्ट जो होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पाइथन जो हमने पीछे पढ़ी वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन जो है इसके कंसेप्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है पाइथन को। ठीक है, ओके। तो आज हम जो है पूरा ओओपी जो है इसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट खरीदना चाहती हैं तो परीक्षा ऐप पे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 50 कोड यूज कर सकते हैं, जिसपे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। और बाकी वीडियोज के नोट्स अगर आप चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग से पहले हमें पता होना चाहिए, ओओपी को हम पढ़े उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है, और सेकंड जो चीज है वो है प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखिए, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम को बोला जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्देश, निर्देशों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर की फॉर्म में बदलते हैं, मतलब जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, उसमें जब उन इंस्ट्रक्शंस को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, सम ऑफ टू नंबर्स हम ले रहे हैं। ऑब्वियस है उसके लिए कुछ स्टेप होंगे। पहले हम एक ए ले रहे हैं, ए में हमने वैल्यू डाली, देन बी ले रहे हैं, बी में वैल्यू डाली, फिर एक सी एक नंबर लिया जिसमें मैंने दो नंबर्स का एडिशन डाला। ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हमने डाली इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए ऐसी लैंग्वेज में चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि जीरो और वन की फॉर्म में ही समझता है। तो जब इन जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जिसको कंप्यूटर समझ पाए, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोग्रामिंग का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग। ठीक, चलिए अब देखिए, प्रोग्रामिंग भी दो तरीके की होती है। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, देखते हैं, देखिए इसमें भी दो आते हैं, प्रोग्रामिंग में भी दो प्रकार के जो पैराडिग्म है वो यूज करते हैं, कौन कौन सा। फर्स्ट होता है पीओपी, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सेकंड जो है वो है ओओपी, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम दोनों में ही लिखे जाते हैं लेकिन दोनों में फोकस जो होता है ना वो अलग अलग होता है। एक में क्या होता है, एक प्रोग्राम में जो फोकस होता है वो प्रोसीजर पे होता है और दूसरे में जो फोकस होता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। ओके, तो इसीलिए जो है ये अलग अलग नाम जो है इनका यूज होता है। अगर आजकल की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब जो लैंग्वेज है वो कौन सा कंसेप्ट फॉलो करती है, ओओपी कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है। ओके, ठीक, चलिए देखिए आगे आगे हम बात करते हैं। ओओपी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जिसकी जो रचना है वो किस पर की गई है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर की गई है। ठीक है, पीओपी में क्या हो जाता है, लॉजिक को चेक किया जाता है प्रोग्राम के, और ओओपी में जो डाटा होता है उसके अंदर उस पर फोकस रखा जाता है। ओके, अब आप देखिए किसी भी लैंग्वेज में लॉजिक पर फोकस ज्यादा जरूरी है या डाटा पर फोकस ज्यादा जरूरी है, तो ऑब्वियसली डाटा पर फोकस होना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ओओपी लैंग्वेज जो है अच्छी मानी जाती है। और जो भी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सोल्व करने के लिए ओओपी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है ओओपी लैंग्वेज। अब आते हैं इसके कुछ कंसेप्ट, यानी कि आप कह लीजिए ओओपी के फीचर जो हमें पढ़ने हैं इसमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए इसके जो कंसेप्ट है, सबसे पहले इसमें आता है क्लास,
सेकंड है ऑब्जेक्ट्स, थर्ड है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, फोर्थ कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म या एब्स्ट्रैक्शन लिख लीजिए, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, फिफ्थ है एनकैप्सुलेशन एंड सिक्स्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की फीचर या कंसेप्ट इसमें। ठीक, तो बस अब हमें इन्हें ही पढ़ना है। बिल्कुल क्लास से शुरू होता है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट्स होता है, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ओके, चलिए अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास की। एक वन बाय वन जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। दो ही कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे चार छह के छह पढ़ेंगे, लेकिन चार में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि चार होते क्या है, और दो जो है थोड़ा सा डिटेल में इनको जानने की कोशिश करेंगे, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इनके जो टाइप्स हैं उनसे कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो अलग से देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं क्लास का कि क्लास होती क्या है। क्लास फर्स्ट कंसेप्ट है क्लास। देखिए क्लास क्लास होती है एक प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का समूह, आप कह सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट्स का समूह, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के समूह को क्या नाम दे दिया जाता है, क्लास दे नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे आलू, प्याज या और कोई वेजिटेबल ले लीजिए, टमाटर हो गया, ये सब क्या है। ठीक है, ये क्या है, सारी की सारी चीजें वेजिटेबल है, वेजिटेबल है। ओके, अब यहां पे वेजिटेबल क्या है, वेजिटेबल क्लास है, और आलू प्याज टमाटर क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां से पता चल गया कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है क्लास। ओके, तो बस ये याद रखिए कि क्लास जो होता है ऑब्जेक्ट्स का समूह होता है। ऐसे ही अगर आप गाड़ियों का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार, कार एक क्या है, क्लास है। अब देखिए कार भी अलग अलग कंपनीज की होती है, अलग अलग कलर्स की होती है, कोई रेड कलर की कार है किसी कंपनी की, कोई व्हाइट कलर की है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इनके, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कि रेड कलर की जो कार है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स जो है यूज हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी जो है कुछ फंक्शंस होते हैं, या कुछ जो भी मतलब ऑब्जेक्ट भी जो है बहुत सारी फंक्शन से मिलकर ही बनता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट्स के समूह को कार कहा जाता है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स के समूह को क्लास कहा जाता है, सॉरी। ओके, ठीक है, आगे देखिए एक और चीज याद रखिए। अब यहां से प्रोग्रामिंग से पढ़ रहे हैं तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोग्राम में क्लास को कितनी बार जो है डिफाइन किया जा सकता है। तो प्रोग्राम में क्लास को एक बार परिभाषित किया जाता है, यानी कि डिफाइन किया जाता है, और एक बार डिफाइन करने के बाद हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जितने चाहे अपनी इच्छा के अनुसार जो है वहां पर ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। ओके, एक और चीज, अब आपसे पूछा जाए कि क्लास जो है किस तरीके का डाटा टाइप है, तो अब क्लास जो होता है ये ऐसे ही नहीं आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मतलब सिस्टम आप इसे क्या कह सकते हैं, यूजर जो है इसको डिफाइन करता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हो सकता है, डाटा टाइप होता है ये। क्यों, क्योंकि हम क्लास में किन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करना चाहते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को इसमें करना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो है बोला जाता है। क्लास कैसा डाटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। ठीक है, एक और चीज, क्लास किसका समूह होता है, डाटा का तो ही होता है, डाटा एंड फंक्शंस आप ये भी कह सकते हैं इसको, क्लास जो होता है वो डाटा एंड फंक्शंस का समूह होता है। ठीक है,
या ये क्या लीजिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ऑब्जेक्ट्स में मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट्स कोई ऑब्जेक्ट भी जो होता है उसमें बहुत सारा डाटा फंक्शंस जो है होता है, इसीलिए हम क्लास को डाटा एंड फंक्शंस का क्या कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का समूह हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये होता है क्लास। ओके चलिए, सेकेंड आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स आपको जैसे क्लियर हो ही गया होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज जो हम देखते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कैसी एंटिटी होती है ये पूछ सकता है, तो ये एक बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है। ऑब्जेक्ट जो होती है वो एक बेसिक रन टाइम एंटिटी जो है होती है। ऑब्जेक्ट जो होता है ये क्या कहते हैं इसको, क्लास का वेरिएबल होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक क्लास का वेरिएबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल हो गया, ये भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी व्यक्ति हो गया यानी कि पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाइक हो गई, घड़ी हो गई, टीवी हो गया, ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ओके, और ये हम पढ़ी चुके हैं कि एक क्लास डिफाइन करने के बाद हम जितने चाहे ऑब्जेक्ट जो है उसमें डिफाइन कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि एक क्लास में एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट्स जो है हम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे, जैसे वेरिएबल स्पेस लेता है मेमोरी में, सेम जो है ऑब्जेक्ट भी जो है मेमोरी में स्पेस जो है लेता है वेरिएबल की तरह ही, बिल्कुल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है होता है। ठीक, चलिए अब थर्ड कंसेप्ट आता है, इनकैप्सुलेशन। थर्ड जो कंसेप्ट आता है वो है इनकैप्सुलेशन, डाटा इनकैप्सुलेशन। इसमें क्या होता है, डाटा और फंक्शन को एक साथ जोड़ा जाता है, डाटा और फंक्शन को एक साथ जोड़ने को ओओपी में इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जब हम डाटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं, या बाइंड टुगेदर डाटा एंड फंक्शन आर कॉल्ड, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, हरियाणा की एग्जाम में, किसी एग्जाम में जरूर आया ये क्वेश्चन, डाटा और फंक्शन को जब हम एक साथ बाइंड करते हैं तो उसको हम क्या क्या नाम दे देते हैं, इनकैप्सुलेशन का नाम जो है देते हैं। ठीक है, ओके, अब आता है कि इनकैप्सुलेशन का यूज किया क्यों जाता है। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, तो देखिए इनकैप्सुलेशन का जो यूज है वो डाटा और फंक्शन को बाहरी इंटरफेरेंस से बचाने के लिए किया जाता है। सिर्फ इंटरफेरेंस से, यानी कि जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उससे सिक्योर करने के लिए इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है यूज किया जाता है, और ये क्लास का जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इनकैप्सुलेशन जो है क्लास का एक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, एक और कंसेप्ट है, फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन, या इसको आई थिंक डाटा हिडिंग भी। ओके, आगे चलिए, एब्स्ट्रैक्शन, और यहीं से एक और टर्म आती है, डाटा हिडिंग। ये कंफ्यूज कर देती है समटाइम। देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का कई तरीके से परीक्षण करना कह सकते हैं आप। ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन मोटिव होता है वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चुनना होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चुनना जो प्रोग्राम के लिए क्या हो, जरूरी हो, जो क्या हो, प्रोग्राम के लिए जरूरी हो, उसको हम बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन, और जो बाकी बच जाएगा उसको छोड़ देना, यानी कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उन चीजों को छोड़ देना क्या कहलाता है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। एक डाटा हिडिंग होता है, इसमें क्या होता है, डाटा हिडिंग में जो उसकी बैकग्राउंड डिटेल होती है उसको क्या कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड डिटेल को छुपाना क्या कहलाएगा, डाटा हिडिंग। तो आप क्या कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन जो है सिर्फ जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं,
एब्स्ट्रेक्शन कहिए, यानी कि उसको एब्स्ट्रेक्शन कहा जाता है। और इसी के साथ अगर हम डाटा हिडिंग की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम डाटा को हाइड करते हैं, हाइड द डाटा, ठीक है, फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, तो ये याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमें डाटा को हाइड करना है और ऑप्शन में डाटा हिडिंग है तो राइट आंसर यही होगा, सिर्फ उसके मेन पार्ट को ही चुनना है तो वो एब्स्ट्रेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से, वैसे इसमें ये भी दे दिया जाता है कि हाइड क्या, मतलब डाटा को अगर हम हाइड कर रहे हैं और उसमें कई बार डाटा हिडिंग ऑप्शन नहीं होता है, सिंपल एब्स्ट्रेक्शन होता है, तो वहां पर आप एब्स्ट्रेक्शन लगा सकते हैं। ओके, तो ये दोनों जो है टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बस इनका थोड़ा सा ध्यान जो है रखिएगा। चलिए आप आते हैं नेक्स्ट, दो टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, फिफ्थ जो इसमें कंसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे हम जो है किसी एक ओल्ड क्लास से, मेरे पास कोई ओल्ड क्लास है, क्लास मैंने बताई क्या है, क्या होती है क्लास, जैसे कार हो गई, ठीक है, ये क्या है क्लास होगी, या स्टूडेंट हो गया एक क्लास हमने इसको मान लिया, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो देखिए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ओल्ड क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उनको नई क्लास में यूज करना, न्यू क्लास में यूज करना, वो क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस जो है कहलाता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे हम एक ओल्ड क्लास से न्यू क्लास को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टी होती है उसको हम न्यू क्लास में यूज करेंगे, ओके। इसीलिए ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को न्यू क्लास में प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ओल्ड क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इनहेरिट जो है करना होता है। और क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम जो है तीन वर्ड्स यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, कौन से देखिए, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। यानी कि जब हम कोडिंग करते हैं या प्रोग्राम किसी चीज का लिखते हैं तो उसमें किसी पुरानी क्लास को इनहेरिट हम किस तरीके से करते हैं, तीन तरीके से, या तो पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं, प्राइवेट इनहेरिट कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर सकते हैं, ओके। तो ये होता है इनहेरिटेंस। अब बात आती है इसमें ओल्ड क्लास को और न्यू क्लास को और किस किस नाम से जाना जाता है। देखिए इनहेरिटेंस में जो हमारी ओल्ड क्लास होती है, ओल्ड क्लास को और क्या क्या कह सकते हैं, हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, जैसे पेरेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके बच्चों में आती है, ओके। तो इसी तरीके से ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती है न्यू क्लास में, तो न्यू क्लास को हम और क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको पेरेंट क्लास बोला इसको क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, ठीक है, चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। इसके अलावा ओल्ड क्लास है यानी कि क्या है, हमारा बेस है, तो इसको हम बेस क्लास भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं। और ये इससे डिराइव्ड होकर बनी है यानी कि इसके फीचर इसमें यूज कर रहे हैं तो इसको हम डिराइव्ड क्लास बोल देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास, और ये क्या हो जाएगी इसकी सब क्लास, सॉरी सब क्लास, ठीक। तो अब आपसे यहां से कुछ भी पूछ सकता है इनहेरिटेंस से कि पेरेंट क्लास को किस नाम से जानते हैं या बेस क्लास को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिए चारों नाम, ओल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास तो हो गई एक, ठीक है, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टीज ली जाती हैं वो तो होगी ये, और जो इनकी प्रॉपर्टीज को लेता है वो कौन कौन सी कहलाएंगे, न्यू, चाइल्ड, डिराइव और सब क्लास जो है हमें कहा जाएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पांच टाइप जो है इसमें आते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सिंगल इनहेरिटेंस, सेकेंड है मल्टीपल, थर्ड जो टाइप है वो है मल्टी लेवल, फोर्थ है हायरार्किकल एंड फिफ्थ है हाइब्रिड।
हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये पांच क्लास होती हैं। अब देखिए इसमें बेस क्लास और ओल्ड क्लास किस तरीके से बनती है, हमें जस्ट ये सीखना है। ओके, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में देखिए क्या होता है, क्या डेफिनेशन जो है इसकी बनेगी। सिंगल इनहेरिटेंस में एक तो बेस क्लास होती है और एक ही जो है उसकी सब क्लास होती है। यानी कि जब किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए, उस इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, सिंगल। यानी कि आप याद रखिए, मैंने बोला जब किसी एक क्लास को किसी दूसरी एक क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाए तो उसको बोल देंगे हम सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस जो है उसको बोला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक ए क्लास थी, ये बी क्लास थी। ए मेरे पास क्या है, एक ओल्ड क्लास है। क्या है, एक ओल्ड क्लास है। ओल्ड क्लास के और अलग नाम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस ओल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज जो है किसने इनहेरिट कर ली, बी ने इनहेरिट कर दी। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी डिराइव्ड क्लास या न्यू क्लास या सब क्लास, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो जब कुछ इस तरीके से हो कि एक क्लास को एक ही क्लास इनहेरिट कर दी है तो वो सिंगल इनहेरिटेंस जो है हो जाएगी। ठीक है, इसमें याद रखिए सिर्फ एक सुपर क्लास होती है और एक ही क्या होती है, सब क्लास होती है, या कह लीजिए एक ही ओल्ड क्लास होती है और एक ही न्यू क्लास होती है, यानी कि एक एक होती है दोनों। ठीक है, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है। चलिए अब आता है मल्टीपल। सेकेंड हम पढ़ रहे हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब नाम से देखिए आप, मल्टीपल इनहेरिट यानी कि मल्टीपल से हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। अभी तो हम सिंगल क्लास से इनहेरिट की हमने प्रॉपर्टीज, अब हम मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिट, मल्टीपल इनहेरिट यानी कि मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट कर रहे हैं। तो जैसे मेरे पास दो क्लास थी ए बी, इन दोनों से प्रॉपर्टीज को मैंने इनहेरिट किया और एक तीसरी क्लास बना दी जिसका नाम था सी क्लास। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होती है, एक से अधिक क्लासेस होती है और भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, एक और हो सकती है, यानी कि जब एक से ज्यादा क्या हो, सुपर क्लास या सब क्लास की प्रॉपर्टीज को कोई एक क्लास इनहेरिट करती है उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो सकती है, मल्टीपल सुपर क्लास हो सकती है, मल्टीपल क्या हो सकती है, सुपर क्लास हो सकती है, और बेस क्लास जो होगी मल्टीपल इनहेरिटेंस में वो क्या होगी, वो सिर्फ एक ही बेस क्लास होगी। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, थर्ड टाइप आता है, ये था मल्टीपल। अब आते हैं मल्टी लेवल। देखिए अगला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल यानी कि एक से ज्यादा लेवल के द्वारा इनहेरिट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक जो क्लास होती है वो एक लेवल में एक दूसरे को इनहेरिट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि मेरे पास एक क्लास थी, ये क्या है, एक सुपर क्लास है। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज को किसी बी क्लास ने इनहेरिट कर लिया तो ऑब्वियसली ये क्या बन गई, बेस क्लास बन गई। ठीक है, क्या बन गई, बेस क्लास बन गई। तो ये तो सिंपल क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। लेकिन इसी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक और ने जो है क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। ठीक है, एक मिनट, ए था, इसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की बी ने और बी की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली सी ने। अब यहां पे देखिए, आप देख सकते हैं एक से ज्यादा सुपर क्लास जो है यहां पे बन रही है। पहले सुपर क्लास ये बी के लिए थी और सी के लिए सुपर क्लास कौन सी हो जाएगी, बी हो जाएगी, और सी यहां पे हमारी क्या बन जाएगी, बेस क्लास जो है बन जाएगी। तो ये होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आगे भी चल सकता है ऐसे ही, ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया बी ने, देन बी की प्रॉपर्टीज को सी ने, सी की प्रॉपर्टीज ने डी ने, तो जहां पे एक से ज्यादा क्या हो जाए, सुपर क्लास हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती हैं तो
सब क्लास मतलब इसमें क्या होता है कि पहले हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे थे सिर्फ सुपर क्लास की, लेकिन जब सब क्लास की जो प्रॉपर्टीज है उनको भी अगर इनहेरिट कर लिया जाए तो वहां पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है हो जाएगा, ये याद रख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जहां पर सब क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको इनहेरिट किया जाता है तो वहां कौन सा इनहेरिटेंस होता है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वहां पर होता है। ठीक, चलिए अब आता है हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस, HIERARCHICAL हायरार्किकल। ओके, इसमें हमेशा याद रखिए हायरार्किकल जो होता है वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, ट्री की फॉर्म में होता है। ट्री में क्या होता है, एक रूट होता है और उससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है निकलती है, यानी कि एक रूट होता है बाकी की इस तरीके से चाइल्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ए थी, इस ए इसमें क्या होती है, वन सुपर क्लास होती है, सिर्फ एक सुपर क्लास होती है और उनकी प्रॉपर्टीज को बहुत सारी बेसिस क्लास जो है इनहेरिट कर सकती है, दो तीन चार कितनी भी बेस क्लास जो है इसमें हो सकती है। तो एक सुपर क्लास होती है और मल्टीपल बेस क्लास होती है, मल्टीपल क्या होती है, बेस क्लास होती है। तो जब एक सुपर क्लास और बहुत सारी बेस क्लास होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस उसको बोला जाता है और ये ट्री की फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रहेगा। और इसका जब उल्टा था, जहां पे एक से ज्यादा क्या थी, सुपर क्लास लेकिन बेस क्लास एक थी, वहां पर कौन सा था, मल्टीपल इनहेरिटेंस था। ठीक, चलिए अब एक लास्ट जो आता है वो आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें जो लास्ट इसका टाइप है हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, जब हम किसी दो प्रकार के इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस होता है, हाइब्रिड का मतलब भी होता है मिक्सचर। जैसे हमने हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ा था, किसका मिक्सचर होता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, सेम हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, दो इनहेरिटेंस का। ठीक है, दो इनहेरिटेंस का जो मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए सब सुपर क्लास था जिसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है बी। ठीक है, यहां पे एक और है सी, सी की बी और सी जो क्लासेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है डी। ओके, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लगा लीजिए, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज को जो है कोई इनहेरिट कर रहा है जिसका नाम है डी। वेट, चलिए यहां देख लेते हैं, ए बी, फिर बी सी दो क्लास है उनकी प्रॉपर्टीज को कोई इनहेरिट कर रहा है अलग से डी। तो ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, दो इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दिया है। अब आप यहां पे ये भी तो देख सकते, देखिए सिर्फ इतना मैं लेती तो क्या बन रहा था, सिंगल इनहेरिटेंस बन रहा था। अगर मैं ये वाला लू तो ये मेरा क्या बन रहा है, मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या बन रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो हाइब्रिड का आ गया, तो ये होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए अब आता है लास्ट जो इसका कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसको समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये क्या होता है, देखिए सिंपल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है मैनी फॉर्म्स। ठीक है, क्या अर्थ होता है, मैनी फॉर्म्स। ये मतलब जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है, फर्स्ट वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है यहाँ पे फॉर्म्स, या मॉर्फ कह लीजिए, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब वही फॉर्म हो जाएगा, मॉर्फ। ठीक है, पॉली यानी कि मैनी और मॉर्फ मतलब फॉर्म्स। ठीक है, ये बहुत मतलब मल्टीपल फॉर्म्स से मिलकर जो है बनता है। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है बहुत सारे फॉर्म्स का होना, फॉर्म क्या, रूप,
बहुत सारे रूपों का होना, रूप का होना क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या एक एबिलिटी है जिसके द्वारा हम मैसेज को क्या कर सकते हैं, मतलब एक मैसेज को हम बहुत सारी फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले जो है करवा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले किया जाता है। ओके, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई रियल लाइफ ले सकते हैं आप। रियल अगर हम प्रॉब्लम देखिए तो देखिए, एक महिला है जो कि एक कॉलेज में क्या है, टीचर है। महिला है, कॉलेज में क्या है, टीचर है। ठीक है, घर पर जो है यही महिला, घर पर क्या है, माँ है। ठीक है, या आप कह सकते हैं बेटी, बेटी है। ठीक, मार्केट में अगर हम बात करें, मार्केट में यही महिला क्या हो जाएगी, कस्टमर हो जाएगी। ओके, तो आपने यहां पे देखा कि महिला की जो है हर एक सिचुएशन के बेस पे अलग अलग रूप जो है दिए गए हैं। यही महिला कॉलेज में तो टीचर है, घर पर ये माँ या बेटी है, और मार्केट में ये कस्टमर है। ठीक है, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जहां यानी कि एक ही चीज के बहुत सारे रूप। अभी हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, तो हो गया रियल लाइफ। पॉलीमॉर्फिज्म में अगर हम मैं बात करूं एरिया, एरिया एरिया देखिए, एरिया जो है, जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल अलग होता है स्क्वेयर का, ट्रायंगल का अलग होता है। ठीक है, आयत का अलग होता है। आप देखिए नाम एक यूज कर रहे हैं हम एरिया, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यानी कि बहुत सारे रूप। ठीक है, बस याद रखिए कि मैनी फॉर्म्स जो है इसका मतलब होता है, मतलब एक ही उसके बहुत सारे रूप हो गया। ठीक है, अब दो तरीके की होती है पॉलीमॉर्फिज्म, दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? फर्स्ट होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और दूसरी होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब कंपाइल टाइम भी दो तरीके की होती है, एक होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, और सेकंड होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवर लोडिंग। ठीक है, और रन टाइम में अगर हम बात करूं तो रन टाइम भी होती है, इसमें आता है वर्चुअल फंक्शन। कौन सा आता है? वर्चुअल फंक्शन। ठीक, तो पॉलीमॉर्फिज्म याद रखिए दो तरीके की होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के पॉलीमॉर्फिज्म में मतलब इस तरीके का जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम दो तरीके से जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, एक फंक्शन के ओवरलोडिंग के द्वारा और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा। ओके, जो ये है कंपाइल टाइम, इसको और किस नाम से जानते हैं, स्टेटिक या अर्ली बाइंडिंग भी कहा जाता है, स्टेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं इसको। वो तो हो ही गया रन टाइम। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, जहां पर बहुत सारे फंक्शन क्या हो, सेम टाइप के हो, जहां पर फंक्शंस क्या हो, सेम टाइप के हो, सेम नेम के हो, सॉरी, जहां पर जितने भी फंक्शंस है वो एक सेम नाम के हो, मतलब उनका जो नाम है वो बिल्कुल सेम हो, तो वहां पर क्या हो जाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाती है। तो देखिये क्वेश्चन यहां से पूछा भी गया था, देखिये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, ये नोट कर लीजिएगा आप। देखिये अगर आपसे पूछा जाए कि जब बहुत सारे फंक्शंस का नाम सेम होता है परंतु पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ये एक क्वेश्चन पूछा गया था शायद फंक्शन ओवरलोडिंग से ही क्वेश्चन आया था, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, मे बी याद है शायद मुझे आया था ये क्वेश्चन, कि जब बहुत सारे फंक्शंस का नाम सेम होता है लेकिन उसके जो पैरामीटर होते हैं फंक्शंस के वो अलग अलग होते हैं, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? जब फंक्शन का नाम सेम हो गया, पैरामीटर चाहे बेशक अलग है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्योंकि
एक ही नाम बार 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 यूज कर रहे हैं तो फंक्शन पे ओवरलोड हो रहा है, तो इसीलिए इसको फंक्शन ओवरलोडिंग जो है बोल दिया। ठीक है, अब सेकंड जो टर्म आई थी वो थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर, ऑपरेटर पढ़ चुके हैं हम, ऑपरेटर क्या होते हैं। तो सी प्लस प्लस में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, तो जहां पर ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है बार बार, वहां पर ऑपरेटिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है हो जाएगी। ठीक, चलिए ये था। उसके बाद आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो टर्म याद रखिए, एक तो फंक्शन ओवरलोडिंग, एक और आती है यहां से फंक्शन ओवर रीडिंग। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आती है, रन टाइम में फंक्शन ओवर रीडिंग जो पूछी जाती है। दो टर्म, एक फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरी होती है फंक्शन ओवर रीडिंग। जब फंक्शन ओवर रीडिंग कब होती है, जब डिराइव्ड क्लास के पास बेस क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए डेफिनेशन होती है, अर्थात दोनों बेस और डिराइव्ड क्लास के पास सेम नेम का फंक्शन होता है। देखिए, बेस क्लास पता है क्या होती है, डिराइव्ड क्लास पता है क्या होती है। ठीक है, जब दोनों के पास फीचर की बात नहीं हो रही है, यहां पर कोई फंक्शन है एफ और यहीं पर सेम फंक्शन है एफ, तो जब दोनों के पास सेम फंक्शन होता है बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास के पास, वहां पर उस सिचुएशन को बोला जाता है फंक्शन ओवर रीडिंग। क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवर रीडिंग। ओवरलोडिंग में क्या था, बेसिक फंक्शंस को बार बार यूज कर रहे थे लेकिन उसके जो पैरामीटर्स थे वो अलग अलग थे, पैरामीटर्स जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे। लेकिन यहां पर सेम नेम का फंक्शन जो है डिफाइन किया हुआ है बेस में भी और डिराइव में भी। जबकि हमने पढ़ा है कि डिराइव में क्या लेते हैं, हम बेस क्लास के फीचर्स का यूज करते हैं, तो जब हम सेम फंक्शंस का यूज कर रहे हैं तो उसको फंक्शन ओवर रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है याद रखिए, और ये आता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, रन टाइम में, और वो कंपाइल टाइम में आता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवर रीडिंग, सॉरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके, तो याद रखिए। अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, कंपाइल में भी और रन में भी, कंपाइल और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल में क्या करते हैं, फंक्शन को जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तब इनवोक किया जाता है, और इसमें जब फंक्शन को कब इनवोक करते हैं, रन टाइम पे इनवोक किया जाता है। इसको हम जो है अर्ली बाइंडिंग या स्टेपिंग बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग या स्टेटिक बाइंडिंग जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, और रन टाइम को क्या बोलते हैं, इसको डायनामिक बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो बस यही थी मेन मेन चीजें, इनको याद रखिए। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ओओपी कंसेप्ट पढ़ा है। आगे हम डीबीएमएस पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इंपॉर्टेंट है, और नेटवर्किंग, चार सब्जेक्ट हमारे रहते हैं, डीबीएमएस, डाटा स्ट्रक्चर और नेटवर्किंग और एक बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसको हम चार वीडियो में जो है पूरा कवर कर लेंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।